दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 26 जुलाई 2021 आज के लव राशिफल के बारे में। आज आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। दोस्तों लव राशिफल शुरू करें उससे पहले आपको बता दें, हमारा लव राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम की राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों आज चंद्रमा कुंभ राशि में बृहस्पति के साथ में है और बृहस्पति के साथ में गज के श्रीयोग का निर्माण कर रहे हैं। किस प्रकार की स्थिति आपके रिलेशनशिप में रहने वाली है, आइए जानते हैं। उससे पहले आपको बता दें, आज सावन का पहला सोमवार है, तो भगवान भोलेनाथ की, देवादिदेव महादेव की आराधना करना ना भूलें, उन पर जलाभिषेक जरूर करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और अगर आप रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, ऑनलाइन रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं और बुकिंग जो और सोमवार अभी बाकी हैं 3 सोमवार की, उनकी बुकिंग करवाने के लिए जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे राशिफल की। राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, आपके लिए देखा जाए तो स्थिति बेहद खास है। आज के दिन लव लाइफ में खुशियां आ जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आपकी सुधर जाएंगी, जो परेशानियां हैं, जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएंगी, उनसे आप निकल पाएंगे, क्लियर माइंड कर पाएंगे, कोई बड़ा निर्णय ले पाएंगे। खास करके जो लोग सिंगल हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनने वाली है और लव लाइफ में आप जो बहुत ज़्यादा उलझ चुके थे उस चीज़ से आप एक झटके में निकल पाएंगे, अपने आप को पूरी तरह से बदल लेंगे। आपके पार्टनर कुछ ऐसा आपको, खास करके जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए कुछ ऐसा हो गया है, पार्टनर कुछ बातें ऐसी बोल दिया है जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे और आपको वो बातें खाए जाएंगी कि बस अब ये करना चाहिए और यही सही है। तो आप कुछ ऐसे निर्णय लेंगे जो बड़े कठिन होंगे आपके लिए, लेकिन आप लेंगे बिल्कुल दृढ़ता से लेंगे और हमेशा के लिए लेंगे। वो निर्णय आप भले ही पार्टनर को ना बोलें लेकिन मन में तो वो निर्णय ले लिए आपने, ये स्थिति आज के दिन बनेगी। अगर मैरिड लाइफ की बात करते हैं तो मैरिड लाइफ में आज प्यार बढ़ेगा, बहुत सारी स्थिति अच्छी रहेगी, कोई गिफ्ट उपहार मिल सकता है और आपके पार्टनर आज आपको समझाएंगे, बहुत ज़्यादा समझाने का प्रयास करेंगे, बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो आपके करियर के लेकर के, आपके प्रोफेशन को लेकर के बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जिससे आपका मन, उनके प्रति विश्वास, बहुत ज़्यादा संलग्नता बढ़ जाएगी, बहुत सारी स्थितियाँ अच्छी होने लगेंगी और निश्चित रूप से आप जानेंगे कि आज के दिन आपके पार्टनर आपके लिए कितने बहुत ज़्यादा प्रेमी भी हैं और बहुत ज़्यादा आपके लिए केयर भी करते हैं, आपका ख्याल भी रखते हैं, बस वो आपको महसूस नहीं होने देते हैं। इन बातों का आपको आज स्मरण करवाएंगे आपके पार्टनर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज कोई नई शुरुआत हो सकती है, पार्टनर बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, हंसी खुशी वाला माहौल रहेगा, मजाकिया माहौल रहेगा, बहुत सारी स्थितियाँ अच्छी रहेंगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, देखा जाए तो आपके लिए आज की स्थिति बेहद शानदार है। आज खास करके जो लोग सिंगल हैं उन्हें कोई मिल सकता है, कन्फ्यूजन से निकल सकते हैं, प्रॉब्लम दूर हो सकती हैं, लव लाइफ में नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, बहुत सारी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। देखा जाए तो सबसे अच्छी बात आपके लिए है कि लव लाइफ में आप अगर किसी पार्टनर से बहुत ज़्यादा लगाव रखे थे और वो व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा था तो वो स्थिति खत्म होगी और आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक वो आने वाला है। लेकिन मैरिड लाइफ यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ाएगी और मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर का एक्स्ट्रा अफेयर इत्यादि या कहीं अफेयर इत्यादि या कुछ झूठ इत्यादि बोल रहे हैं, कुछ बात आपसे छिपा रहे हैं, इन बातों से आपका मन अशांत आज हो सकता है, कुछ बातें आपसे वो छिपा सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करते हैं तो उसमें स्थितियाँ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली हैं, यहाँ पर परेशानी आपके लिए रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, आपके लिए आज का समय बेहद खास है, सिंगल हैं किसी को प्रपोज कर सकते हैं, पार्टनर से मुलाकात हो सकती है, नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, बहुत लंबे समय से टूटा रिश्ता जुड़ जाएगा, फिर से एक नई शुरुआत का समय होगा, विश्वास जो टूट गया था, पार्टनर ने विश्वास तोड़ दिया था, वो चीज़ें संभलेंगी, गलत फहमियाँ दूर होंगी और कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके पार्टनर आपको देने वाले हैं, कोई प्रॉमिस आपको करने वाले हैं। मैरिड लाइफ में अगर आपको शिकायत थी कि आपके पार्टनर
अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से नहीं निभाते हैं और वो किसी प्रकार से आपके साथ में बिहेवियर जो उनका है वो खराब है, तो वो चीज़ें आपकी दूर होंगी। ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे होंगे, डाइवोर्स इत्यादि जैसी संभावनाएं बन रही हैं तो वहाँ से भी आपको समझौते की ओर आपके पार्टनर ले जाने का प्रयास करेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में धन की वजह से और एहसानों की वजह से आज बहुत ज़्यादा मार खानी पड़ सकती है आपके पार्टनर के द्वारा, थप्पड़ भी आपको लग सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा झगड़े भी होने वाले हैं, तो ये स्थिति आपके लिए रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, आपके लिए स्थितियां क्या हैं? आपके लिए ब्रेकअप की संभावनाएं हैं, मन अशांत रहेगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे, अचानक से कोई व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल दे, आपके पार्टनर या आप किसी को दोस्त बनाना चाहते हैं वहाँ पर, सिंगल हैं आज प्रपोज नहीं करना चाहिए। मैरिड लाइफ में किसी थर्ड पार्टी का गुस्सा आप पर निकल सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में किसी एक्स की वजह से आपको परेशानी हो सकती है, उनके एक्स की वजह से आपको परेशानी हो सकती है, ये स्थिति बनेगी। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, पार्टनर बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, इमोशंस उनके बहुत ज़्यादा जग जाएंगे, आज बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे आपके लिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात मैरिड लाइफ में है, मैरिड लाइफ के आपके पार्टनर जो हैं वो आपको इग्नोर कर सकते हैं, ज़्यादा ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश करें, ज़्यादा उनका समय मांगने की कोशिश करें तो आपके ऊपर आरोप लगाना, आपको उल्टा सीधा बोलना, भरा बहुत ज़्यादा कैरेक्टरलेस बोलना या ऐसी बातें जो आपको सहन ना हो पाए ऐसी बातें बोलना और आपका जो गुस्सा है वो सर के ऊपर चढ़ जाए, ऐसी स्थिति बन जाएगी आज के दिन। तो मैरिड लाइफ थोड़ी ख़राब नज़र आ रही है, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में प्यार रहेगा, रोमांस रहेगा, बहुत सारी खुशखबरी मिलेंगी और आज पार्टनर से मुलाकात करके बहुत सारी शॉपिंग भी आप करने वाले हैं, ये भी स्थिति बन रही है। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, आज लव लाइफ में आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़ सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ खराब हो सकती है। मैरिड लाइफ में खास करके डाइवोर्स इत्यादि की बातें हो सकती हैं या बहस हो सकती है। आज आपके पार्टनर का थोड़ा मन भी अशांत रहेगा और स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखना होगा आपको। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में और सिंगल जो लोग हैं उनके लिए सामान्य स्थिति रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, आज देखा जाए तो आपके पार्टनर अचानक से आपसे मिलने आ सकते हैं, अचानक से आपसे मुलाकात हो सकती है, प्यार रहेगा, रोमांस बहुत ज़्यादा रहेगा और बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलने वाली हैं, एक बहुत ज़्यादा स्थिति अच्छी होने वाली है। आज अगर नो कॉन्टैक्ट में हैं तो पार्टनर की बहुत ज़्यादा याद आने वाली है और पार्टनर को मैसेज कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा। आज विशेष रूप से आपको उनसे बात करके बहुत अच्छा लगेगा और मैरिड लाइफ में भी स्थितियाँ अच्छी होंगी। मैरिड लाइफ में खास करके जो स्थिति खराब हो गई थी, जो थर्ड पार्टी प्रॉब्लम चल रही थी, जो गलत फहमियाँ बन गई थी या बहुत सारे निर्णय आपको लेने थे और कन्फ्यूज थे, तो उन चीज़ों से आप निकल पाएंगे और सही निर्णय, एक ठोस कदम उठा पाएंगे। खास करके लव मैरिज करने के लिए, लव मैरिज करना चाहते हैं वहाँ पर निर्णय लेना चाहते हैं कोई, तो उसमें सही निर्णय आप ले पाएंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में देखा जाए तो आपके लिए बहुत सारी खुशखबरी मिलेंगी, बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा और आपके पार्टनर आपके साथ में बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करते हुए नजर आएंगे, आज के दिन ये स्थिति रहेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए देखा जाए तो स्थितियाँ बहुत ज़्यादा खराब रहेंगी, आज आपका मन अशांत रहेगा, पार्टनर बहुत ज़्यादा इग्नोर करेंगे, पार्टनर आपको भूलने का प्रयास करेंगे, बहुत ज़्यादा लव लाइफ में आपकी जो गलतियाँ हैं उनको कहीं ना कहीं आप जो दुविधा में हैं उन दुविधा को वो समझते हैं और वो आपके इमोशंस को भी समझते हैं, आप उनके लिए कितने इमोशनल हैं, आपने कितना उनके लिए कुछ किया है वो सब समझते हैं, सब जानते हैं, उनके मन में भी आपके लिए प्यार है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके द्वारा कुछ ऐसी गलती आपकी थी लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसा आपने बोल दिया जिस वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब आपसे किनारा पाने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम नज़र आ रही हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कोई आपके साथ में बड़ा खेल खेलता हुआ नज़र आ रहा है, आज के दिन ये स्थिति बन रही है। आपके पार्टनर आपके साथ में कुछ खेल खेल सकते हैं, कुछ बड़ा ड्रामा कर सकते हैं, ये स्थिति बनेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, लव लाइफ में प्यार रहेगा, नई शुरुआत हो सकती है, किसी को प्रपोज कर सकते हैं। अगर ब्रेकअप हो गया था, नो कॉन्टैक्ट में चले गए थे, बातचीत होगी और बातचीत होकर के बहुत अच्छा लगेगा, एक नई शुरुआत के लिए दोनों लोग आगे आएंगे, विश्वास जो टूट गया था उसे फिर से बढ़ाएंगे, ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे होंगे, आज हंसी मजाक बहुत ज़्यादा होगा और मैरिड लाइफ में भी समझाने का प्रयास करेंगे आपके पार्टनर, एक सही निर्णय लेने के लिए आपको समझाएंगे, खास करके जो लोग डाइवोर्स इत्यादि को लेकर के बातचीत कर रहे हैं उन्हें एक सही निर्णय लेने का आज मौका मिलेगा, तो ये स्थिति आपके लिए रहेगी।
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज कोई धोखा मिल सकता है, कोई झूठ बोल करके आपके पार्टनर आपसे चीट कर सकते हैं, ये स्थिति बनेगी। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, आपके लिए स्थिति क्या बन रही है? आपके लिए देखा जाए तो आज वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें, छोटे छोटे शब्द आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आज आपका मन बहुत ज़्यादा अशांत रहेगा। आज आपको बहुत ज़्यादा लव लाइफ में भी प्रॉब्लम नज़र आएगी, खास करके जो लोग सिंगल हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा अकेलापन नज़र आ रहा है, लेकिन जो लोग लव लाइफ में हैं वो अपने पार्टनर की कुछ बातों, कुछ यादों को बहुत ज़्यादा, उन यादों को याद करके परेशान होंगे। कुछ ऐसी बातें हुई आपके बीच में जो अब आप भूल नहीं पा रहे हैं ना भूल पाएंगे। किसी और की गुस्सा, किसी और का गुस्सा, अपने एक्स का गुस्सा आप पर निकाल देना, आपके साथ में संबंध उनके खराब हो जाना, और अपनी गलती होने के बावजूद भी आपको दोषी ठहरा करके आपके साथ में गलत व्यवहार कर देना, ये चीज़ें और आपकी फैमिली को उल्टा सीधा बोल देना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में बहुत बड़ा एक फासला बनाती हुई नजर आ रही हैं। मैरिड लाइफ में स्थितियां आज किसी झूठ को पकड़ती हुई नजर आएंगी, कोई झूठ पकड़ा जा सकता है मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर का, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो आज आपके पार्टनर बहुत बुरी तरह फंसने वाले हैं, और अपने एक्स के चक्कर में, अपने कुछ रिलेशनशिप के चक्कर में वो अपनी सच्चाई अपने मुंह से निकालने वाले हैं आपके सामने, ये स्थिति बन रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, आज बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा, पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल होंगे, बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी, आज कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आज खास करके प्रपोज भी कर सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में भी आ सकते हैं, मुलाकात भी कर सकते हैं, स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। मैरिड लाइफ में थोड़ा सा आपको वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, और पुरानी बातों को लेकर कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है, पुरानी बातों को लेकर चर्चा होगी तो परेशानी बन जाएगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज आपके सामने कोई थर्ड पार्टी नजर आएगी, और किसी तीसरे व्यक्ति के चक्कर में आप खुद पढ़ करके अपने पार्टनर को इग्नोर कर देंगे, जिस वजह से आज झगड़ा हो जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, आज प्यार रहेगा, रोमांस रहेगा, बहुत सारी खुशियां मिलेंगी, लव लाइफ तो बेहतर होगी, लेकिन मैरिड लाइफ में तलाक इत्यादि पर बात पहुंच जाए, कोर्ट कचहरी में बात पहुंच जाए, या वहां पर पहुंची हुई है उस वजह से परेशानी हो, मन अशांत हो जाए, मैरिड लाइफ में बहस बहुत ज़्यादा हो, ये स्थिति बन रही है। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी, प्यार रहेगा, रोमांस रहेगा, बहुत ज़्यादा पार्टनर आपके लिए खर्च करने वाले हैं, ये स्थिति आपके लिए रहने वाली है। तो दोस्तों यह था आपका आज का लव राशिफल। अगर आपको आज का लव राशिफल पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। उसके साथ साथ दोस्तों इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।